खराब हुई फसलों का मुआवजे की मांग को लेकर जो है किसान पिछले 72 दिन से यहां जो है धरने पर बैठे हुए हैं। क्या रणनीति है इनकी, इनसे बात करते हैं। आज जिस तरह से आपको यहां बैठे हुए 72 दिन हो चुके हैं, आप आगे क्या रणनीति बनाई है? देखिए 29 जनवरी से हम यहां बैठे हैं, आज 72 दिन हो चुके हैं। आज रणनीति ये बनाई गई है पूरे जिले के किसानों ने, 13 तारीख को हमारे खरखोदा में मुख्यमंत्री महोदय जी आ रहे हैं। यहाँ के सोनीपत जिला के प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि 13 तारीख से पहले पहले हमारे मुख्यमंत्री से मीटिंग करवा दें, ताकि हमें मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बता सके। अगर ऐसा नहीं करवाया जाता, हमारी मीटिंग नहीं करवाई जाती है, तो फिर 13 तारीख को पूरा सोनीपत जिला के किसान मुख्यमंत्री का काले झंडे से विरोध करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ के मुख्यमंत्री जी आज वो राजा है, राजा का धर्म बनता है अगर प्रजा के साथ कोई गलत काम हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का काम राजा का बनता है, उसने अपना ये काम करना चाहिए। किस चीज की मांग जो है वो की जा रही है? हमारी 2021 की 2022 की जो फसल खराब हुई थी बीमा कंपनी में, और बीमा कंपनी ने इतना फ्रॉड कर दिया कि 60 दिन का समय बीमा कंपनी के पास होता है, 60 दिन के बाद बीमा कंपनी को कोई अधिकार नहीं है किसी का कैंसिल करने का, लेकिन 6-7 महीने तक बीमा कंपनी इंतजार करती रही कि फसलें कहाँ खराब होंगी कहाँ खराब नहीं होगी। जहाँ फसल खराब होगी वहाँ बीमा रद्द कर दिया गया 6 महीने के बाद, जहाँ फसल खराब नहीं हुई वहाँ किसान का प्रीमियम भी हरियाणा और केंद्र सरकार की भी सारी सब्सिडी जिमगी। 16-12-2022 को DLMC की मीटिंग हुई सोनीपत में, जिसमें जिला के सभी अधिकारी शामिल थे। बीमा कंपनी को दोषी पाया गया, बीमा कंपनी को 15 से 20 दिन में सभी किसानों का जो क्लेम है देने की बात कही थी DC साहब ने, और DC साहब ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का भी कहा गया था, लेकिन जो बीमा कंपनी स्टेट कमेटी में चली गई डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पास, आज लगभग 1.5 साल होने के बावजूद बीमा डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने ना किसान के पक्ष में दिया है ना विरुद्ध दिया है, जबकि 1 महीने में देना होता है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर पता नहीं बीमा कंपनी से क्या ले रहे हैं, क्या घूस ले रखी है, किसानों का सत्यानाश कर दिया है। हमारी मांग है कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी अगर दोषी है तो ये बड़ा मामला है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और किसानों को जो पैसा है वो जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। अगर बात करें तो सोनीपत जिले में कितने किसान है जिनका जो पैसा बाकी है? ये लगभग 4000 किसान के आसपास बैठते हैं, 1752 किसान तो 2022 के हैं, कुछ 21 के भी हैं, कुछ 23 के भी हैं। अगर सारा मामला ये निष्पक्ष जांच हो तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ भी है कि जिन किसानों का बीमा कंपनी कुछ दिया भी है थोड़ा बहुत, मान लिया किसी किसान के 20,000 रुपये बनते थे, उसको 2,000 रुपये दे रखे हैं। किसान भोड़ा भरा, उसको ये नहीं पता कि तेरा क्लेम कितना बनता है कितना नहीं बनता है, कंपनी ने लूटमार की है और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। और जो पराली प्रबंधन के लिए जो सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे प्रदूषण को बचाने के लिए, जिन किसानों ने पराली प्रबंधन किया आग नहीं लगाई, उनको भी 1000 रुपए प्रति एकड़ जो सरकार ने वादा किया था सरकार ने भी नहीं दिया है, और कंपनियों द्वारा भी नहीं दिलवाया गया है। किसानों के साथ ये घोर अन्याय किया गया है। अब किसान बेचारा करे तो क्या करे, अब किसान तो फंस गया है। इसीलिए हमने मांग की है कि मुख्यमंत्री 13 तारीख का खरखोदा में आ रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात करवा दे, समस्या का समाधान करवा दे, वरना 13 तारीख को सभी किसान पूरे जिले के काले झंडे दिखाएंगे। तरह से विरोध करने की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री का विरोध किया जाएगा 13 तारीख को खरखोदा के अंदर, तो क्या उसके लेकर भी कुछ अलग से प्लानिंग बनाई है? अलग से प्लानिंग है, हमने अपनी पूरी कमेटी की मीटिंग करी है और जो सभी संगठनों से बातचीत हुई है हमारी, तो क्योंकि नुकसान जो हो रहा है वो एक अकेले गोहाना क्षेत्र का नहीं हो रहा, जो फसल बीमा योजना में जो इन्होंने धोखाधड़ी करी है वो पूरे हरियाणा के साथ हुई है, तो सभी किसान इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो जिस तरह से पहले भी आपने चेतावनी दी थी कि भी हरियाणा के अंदर जो है चुनाव के दौरान नेताओं का जो है विरोध करेंगे, उसको लेकर भी जारी है? देखो हर जगह पर विरोध चल रहा है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत है जो आज हमारे बीच में आते हैं और फिर हमें ये नहीं पता रहता कि 5 साल तक वो कहाँ रहते हैं, किसान है मजदूर है गरीब आदमी है रोडों पर धक्के खा रहा है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं आते, अब वोटों के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनका पूरा विरोध करेंगे और इनसे सवाल जवाब भी करेंगे। लेकिन कुछ नेता ये कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं नेताओं का, बीजेपी के या किसी और नेता का विरोध कर रहे हैं, ये तो किसान ही नहीं है,
उनको हम अपनी ऑनलाइन फसल दिखा देंगे फिर मान जाएंगे, हमने जो गेट पास कटवा रखे वो दिखा देंगे फिर मान जाएंगे, जो हमने गन्ना डाला है हमने मिल में गन्ना डाला है वो हमारे बॉन्ड है वो दिखा देंगे तब मान जाएंगे, और हमें उनको पूरे सबूत दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है, उनको पता है किसान कौन है कौन नहीं है, वो बैठ के दिखाए ना रोड पे। तो बिल्कुल जिस तरह से किसानों में नाराजगी है, उनका कहना है कि काफी लंबा समय हो चुका है किसान जो है फसल मुआवजे की मांग कर रहे हैं खराब फसलों के, यार जिस तरह से बेहतर दिन हो गए यहाँ, उसके बावजूद कोई नेता या कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए पहुंचा नहीं जी, सोए पड़े हैं नेता लोग, तो अब ये गांव में घुस रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार जो कर रखा है इनने उसके लिए किसान खड़े हो रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, तुम 5 साल से आए नहीं हमारे गांव में, अब कैसे वोट मांगने आ रहे हो, लोग गांव में नहीं घुसने देते। और रही बात दुष्यंत चौटाला की माँ भी बोल रही है दुष्यंत को भगा रहे हैं, अकबर गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, अगर दुष्यंत चौटाला की माँ माफी मांग रही है किसानों से, बोल रही है कि वो तो बीजेपी की गलती है, गलती किसी की भी हो, मरते किसान गई, अब हमारी उम्मीद है अगर 13 तारीख से पहले हमारा समाधान हो जाए ठीक है, नहीं था हमने जब 2 साल हो गए इंतजार करते करते, अब तो हमने काले झंडे वो करने पड़ेगा। क्या कहना है जी आपका, जिस तरह से मुआवजा नहीं मिला? नहीं मुआवजा नहीं मिला, वो तो इन सब ने बता दिया है मुआवजा नहीं मिला, वो डिप्टी सीएम की माँ जो कह रही है अगर बड़न नहीं देर माफी मांग लेंगे, यार बीजेपी की गलती है, डिप्टी सीएम था तो किस राज में था, बीजेपी का ही तो था डिप्टी सीएम है, इव घर जाकर लकड़कर मारिश का तुतरा बल्ला डिप्टी सीएम नहीं रहा हो, इव गरीब किसान का बेटा बन गया है, डोंड रहे बकवास करे हैं गांव में बढ़ जाइयो एक नमूना बढ़न जा, लैंग्वेज ठीक रख। हाँ अब ऐसे यह है हमारे दे मोलड़ सर तक जो लिया सर पर बाढ़ नहीं था माँ की तरह था यही कहना चाहूँगा जो अपने फसलों का मुआवजा है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए, और अगर जो मुआवजा नहीं दिया तो 13 तारीख को काले झंडे दिखाए जाएंगे, और जो ये वोट मांगने के लिए आएंगे इनका पूरा बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल किसान नाराज नजर आ रहे हैं, मतलब कहने की बात नहीं है, लैंग्वेज तो हम क्यों गलत बोला भाई, हमारे मंत्री हैं मुख्यमंत्री बने बेटे थे राजा थे हमारे तो सर की पगड़ी हुए हैं, लेकिन वो पर्चा कर तो लगाए नहीं बात रोंद दिए, ये मारो तो राम राम के उन्हें पानी पियावांगे, हैं जूत तो दिखावांगे भाई खोसडेर काले झंडे तो दिखावांगे, पटका दिखाइयो हमारा गांव में बीजेपी वाले जेजेपी वाले गांव का लावे भी लाग जाए रुखी गांव का धर्मवीर बोल रहे हो बस। बिल्कुल किसानों में रोष आप देख सकते हैं कितना रोष है, इनका कहना है कि जो खराब फसल मुआवजे की मांग को लेकर ये पिछले 72 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, और किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जो है किसानों का जो एक जत्था जो है मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, अगर सरकार जो है चाहे तो मुख्यमंत्री से उनकी 13 तारीख से पहले जो है मुलाकात करा दे, अन्यथा जो है 13 तारीख को जो है खरकोदा के अंदर सीएम का प्रोग्राम है जिसमें जो है मुख्यमंत्री का जो है काले झंडे दिखाकर जो है किसान विरोध करने की बात जो है यहाँ कह रहे हैं। सोनीपत केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।